का प्रयोग वो बतासा रहता है और वही सुधार का पोकट में सलाह देना वालों की कोई कमी नहीं है। हर आदमी अपनी अपनी सलाह दे देता है, पर मैं मेरा एक्सपीरियंस ये बताता हूँ कि कोई सा भी प्रमेय है उस प्रमेय में और मधुमेह में आप जो भी चिकित्सा दे रहे हैं उस चिकित्सा के साथ ये दो तीन प्रयोग और करके देखें तो बहुत लाभ होगा। मैं मोस्टली अपने मरीजों को एक चूर्ण लिखवाता हूँ, आप लोग लिख लें, नीम पत्र, बिल पत्र, तेज पत्र, गुड़वार, जामुन की गुठली, दाना मेथी, हल्दी, आंवला और तिलकट और किलो है। ये 12-13 चीजें जिसमें 5-6 चीजें तो घर के अगल बगल भी उगती है, नीम पत्र, बिल पत्र, तेज पत्र, गुड़वार, जामुन की गुठली, करेले का छिलका, हल्दी, आंवला, किलो और तिलकट। ये मैंने देखा जो बॉडी का मेटाबॉलिक सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है, चाहे वो कोई सा भी सिस्टम हो रहा हो, उस सिस्टम को रेगुलाइज करके पेट क्रिया के जो बीटा सेल्स है उनकी जो कार्य करने की क्षमता है उस क्षमता को ये चूर्ण बढ़ाता है। आप कुछ भी मेडिसिन दे पर ये चूर्ण बना के उस मरीज को लॉन्ग टाइम तक खिलाते रहे, 10-20 दिन नहीं 10-20 साल तक खिलाते रहे, उसके परिवर्तन देखें और परिवर्तनों को नोट करें, निश्चित रूप से आपको लगेगा कि ये चूर्ण शरीर में कई जगह काम कर रहा है। दोबारा बोलो।